एक बात निश्चित है, अगर कोई भी समझदार व्यक्ति है जिसमें समझ है और जिसका आवेश भी शांत है, उसे एक सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट करता है, यह महावीर की वाणी का सिद्धांत है, आयंक दंसी न करी पावं, आतंक को दूसरे को कष्ट करता है उसे सोच लेना चाहिए कि उसका अनिष्ट तो होगा या नहीं होगा, मेरा तो अवश्य होगा। जो अनिष्ट करने वाला है उसका अनिष्ट तो निश्चित है, और सामने वाले का हो भी सकता है, और शक्तिशाली है तो नहीं भी होता। ये बात समझ में आ जाए तो शायद कोई व्यक्ति दूसरे के अनिष्ट की बात नहीं सोचेगा। वे लोग अनिष्ट करने की बात सोचते हैं कि जो इस सच्चाई को नहीं जानते कि कोई भी सामने वाले व्यक्ति का अपना अनिष्ट किए बिना उसका अनिष्ट कर नहीं सकता, अपना अनिष्ट निश्चित होगा। ये बात समझ में आ जाए तो वह बहुत विकास कर सकता है, सुखी रह सकता है, तनाव मुक्त रह सकता है और दूसरों के लिए नहीं बनता। पता नहीं क्या है, वर्तमान में इस सच्चाई को लोग भुलाए जा रहे हैं। अनेक परिवार आते हैं, अनेक व्यक्ति आते हैं, कहते हैं मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी किंतु किसी अमुक व्यक्ति ने तांत्रिक प्रयोग करा दिया, दुकान बंद हो रही है, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा। कोई कहता है मेरा घर में अच्छा था, अब परस्पर में लड़ाइयाँ हो रही है, किसी ने तांत्रिक प्रयोग करा दिया। वर्ष में शायद 50-100 बार तो हमें ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है। अब दूसरे का अनिष्ट करके कोई अपना इष्ट करना चाहे, संभव नहीं है। ये एक सच्चाई, धर्म की सच्चाई, अध्यात्म की सच्चाई और वास्तविक सच्चाई समझ में आ जाए कि कोई दूसरे का अनिष्ट करे तो पहले यह सोच ले कि उसका अकेले का अनिष्ट नहीं होगा, साथ साथ करने वाले का भी अनिष्ट होगा। इतनी बात समझ में आए तो शायद दूसरे का अनिष्ट करने में हाथ चुकुड़ा आएगा। केवल यह समझे क्या है, मैं इसको अनिष्ट कर दूंगा, एक भ्रम है, कुछ समय के लिए लग सकता है किंतु वह भ्रम टूट सकता है और उसको स्वयं को बहुत बड़ा अनिष्ट भोगना पड़ता है।